18। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो कलर आपने लगाया है ये IBPS में पेन है। आपके लिए कई मायनों में तो यह है कि इस कलर को लगाने पर नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए, लेकिन हम लोग आपको पहली बार आप इस कॉम्पिटिशन में भाग ले रहे हैं। पेन नंबर 16 में आपसे आपको मुखातिब कर रहा हूँ, जो कलर आपने लगाया है ये IBPS में पेन है, ये आगे से मत लगाए कभी। आप अपना अपना परिचय दे रहे हैं। मैं चार बॉल आपसे रुका और इन चार बॉल में जो आपने सवाल जो पत्थर देना वो इस स्टेट कैटेगरी का विनर होगा, वो इस स्टेट कैटेगरी का विनर होगा। ठीक है, तैयार है, रिलैक्स हो गए, थके तो नहीं बस, पता बजाओ शुरू। फर्स्ट बॉल डबल माइंडसेट मीटिंग में आप दरअसल में पिछली वेट कैटेगरी में कंपटीशन इतना टफ था कि मुझे आपका पिन नंबर दिखना बंद हो गया। बहुत ही क्लोज कंपटीशन था और फर्स्ट बॉल डबल बाइसन स्टार्ट। यहाँ पर स्टेज पे खड़े करने के लिए भी लड़के नहीं थे और 8 महीने में ये आपका जोश और आपकी हौसला अफजाई और आपने जितना भी नौजवानों को सपोर्ट किया और आपने इतना हौसला लगाया तो उसका परिणाम स्टेज पर नजर आ रहा है। और मैं यहाँ के नौजवानों को भी इस बात के लिए बधाई देता हूँ और उनको वो खुशी बहुत ही खुशनसीब है यहाँ के नौजवान, उनको इतना बेहतरीन विधायक और विधायक बाद में है, पहले वो आपका अपना भाई है जो आपको एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करता है और आपके बीच में पूरा दिन दो दिन मुझे जो अश्वनी कोटक जी ने बनाया है पूरा वक्त अर्थात हमें जब हमें जरूरत होती है हमारे साथ होते हैं और पूरी सपोर्ट उनके यात्रा की रहती है। तो आप भी बधाई के पात्र हैं कि आपको इतना आपने इतना बेहतरीन विधायक यहाँ चुना है। मैं बधाई देता हूँ बुढ़ानिया जी आपको भी कि आप इस नोटबंदा चुनाव में बनाए। सेकेंड बॉल थर्ड बॉल फाइव चेस्ट
निर्णय इन दोनों वेट कैटेगरीज का हो चुका। जो जीतेंगे उनको बहुत बहुत मुबारकबाद और जो यहाँ सेकेंड या थर्ड होंगे उनको भी मुबारकबाद। वो अपना दिल छोटा ना करें, उनके अपने में कोई कमी नहीं है, जीता एक ही है, सभी फर्स्ट नहीं आते। आगे और अच्छी तैयारी करके आए तो मैं समझता हूँ कि कई बार फिर आप इस हिमाचल को टारगेट अगले दो आप ये मानकर चलें कि जून या जुलाई जून लास्ट में स्टेट लेवल का टाइटल शिमला में कराने की तैयारी हो रही है। शिमला के प्रेसिडेंट हमारे रामपाल शर्मा जी अभी थोड़ी बहुत देर में पहुंचने वाले हैं, उनका फोन आया, वो आ रहे हैं वहां। तो आप अपनी तैयारी बराबर रखें। जुलाई में हमने जून लास्ट या जुलाई 15 तक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करना है और उसके बाद सितंबर या अक्टूबर में पौंडा साहिब में एक बड़ा कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज होगा जिसमें हिमाचल का टाइटल भी होगा और दूसरा एक और, क्योंकि अलग अलग टाइटल के नाम से आज मिस्टर हिमाचल है तो अगली बार फेडरेशन कप शिमला में कराने की तैयारी है, तो लेकिन स्टेटस उसका भी स्टेट लेवल में होगा। और आगे की कार्रवाई के लिए मैं अजय जी को आमंत्रित हूँ मंच पर आए और अपने कार्यक्रमों से प्राइज देकर इनको प्रोत्साहित करें। मिस्टर हिमाचल 2011 बिलो 70 किलोग्राम, थर्ड पोजीशन गोज टू मिस्टर दीदार सिंह ऑफ मंडी, जिसका तालियों के साथ में इनका हौसला बढ़ाए। इसके बाद फोटोग्राफ के लिए मैं हिमाचल